उत्तराखंडना डीजेपी द्वारा वडोदरा में साइबर क्राइम बाबते पत्रकार परिषद योजी थी। उत्तराखंडना डीजेपी अशोक कुमार वडोदरा लिटरेचर फेस्टिवल में भाग लेवा वडोदरा पधार्या था, ज्यां पोलिस भवन खाते प्रेस कॉन्फरेंस करी थी और साइबर क्राइम अंगे बात करी थी। जणाव्युं हतुं के हूँ साइबर नी दुनिया में कोईपण स्टेप उठाऊँ तो ओछा में ओछी 5 થી 10 સેકન્ડ પોતાને આપવી જોઈએ કે આપણે શું કરીએ છીએ। લાઈફ એટલી ફાસ્ટ થઈ ગઈ છે કે કોઈપણ મેસેજ આવે છે તો આપણે ફટાક લઈને યસ કરી દઈએ છીએ। આવું નથી કરવાનું, કેમ કે ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ આવી, કેમ ઓટીપી માંગે છે, કેમ મારી કેવાયસી જોઈએ છે, પોતાની જાતને 10 સવાલ કરવા જોઈએ તો આપણે સમજવું જોઈશે કે મારી સાથે કોઈ છેતરપિંડી કરી રહ્યું છે। પત્રકાર પરિષદમાં તેઓએ વિસ્તૃત ચર્ચા વિચારણા કરી હતી। इसके प्रोफाइल में ना, मैंने इस किताब को ही लेंगे तो 12 कहानियाँ लिखी हैं, ठीक। 12 की 12 कहानियों में अलग अलग क्रिमिनल हैं, अलग अलग उनका तौर तरीका है, मोडस ऑपरेंडी अलग है, ठीक है। तो अगर हम उसको देखें तो जैसे नॉर्मली क्रिमिनल सोसाइटी का वो पोर्शन है जो अदरवाइज रिच नहीं है, मे बी लोअर स्ट्रेटा से आता है, ठीक है, उसको और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिकल ढेर सारे फैक्टर होते हैं, आप देखते हैं, तो उससे थोड़ा हटके है साइबर क्राइम में। वो तो है ही है, वो फैक्टर्स हैं सारे, इसलिए आप देखेंगे जो जामताड़ा बेल्ट है, जो मेवात बेल्ट है, वहाँ पे ऐसे ही लोगों ने शुरू किया स्टार्टिंग। पर क्या हुआ ना, ये क्राइम इतना तेज़ी से बढ़ रहा है और पैसा इसमें इतना ज़्यादा है। मान लिया जैसे मैंने कहा एक दिन में 10 भी आपको मिल गए तो 1 लाख 2 लाख आपके खाते में आ गया, तो आप महीने में 2-3 महीने में करोड़पति हो गए। तो फिर उनको देख करके और बहुत सारे लोग टेम्प्टेड हो रहे हैं, तो पूरी की पूरी बेल्ट में ना वैसे लोग आ जा रहे हैं, मतलब। तो इसलिए ऐसा नहीं रहा कि खाली जो है अनएम्प्लॉयड या उस तरह के लोग ही इसमें हो, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो एक मैंने इसमें स्टोरी डाली है रैनसमवेयर, जिसमें कि 11 कहानियों में विक्टिम उत्तराखंड के, क्रिमिनल देश भर के, विदेशों के, एक कहानी में विक्टिम अमेरिका के हैं रैनसमवेयर। तो वो कैसे हो रहा है, हमारे यहाँ कॉल सेंटर्स चलते हैं पूरे देश में जो अमेरिका के लोगों की रात के टाइम में कॉलिंग करके प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, ठीक है ना, पूरा सुनते हैं। तो इसमें ऐसे फेक कॉल सेंटर भी शुरू हो गए हैं फर्जी, और वो क्या करेंगे, आपको कॉल सेंटर के नाम से आपके कंप्यूटर में एक्सेस कर लेंगे कि मैं रिपेयर करूँगा, ये करूँगा, और फिर उसमें वायरस डाल देंगे, और फिर वायरस से उसका कंप्यूटर लॉक हो गया, लैपटॉप लॉक हो गया, मोबाइल लॉक हो गया, उसका सारा इंपॉर्टेंट डाटा उसमें पड़ा हुआ है। फिर उसको खोलने के नाम का पैसा मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं, रैनसम मांगते हैं, $1,000, $2,000, $5,000 तक मांग रहे। तो 2.5 करोड़ रुपया मिला हमें उस रेड में। तो मतलब कुल मिलाकर तो ये तो एजुकेटेड पार्ट था सोसाइटी का, वही तो कॉल सेंटर करेगा जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर पढ़ा है, सॉफ्टवेयर पढ़ा है, ये सब पढ़ा है, तो टाइम के नीड के साथ होता ही है। मतलब लॉ तो बने हैं किंतु थोड़े जितना उनमें वो होना चाहिए ताकत और बढ़ाने की ज़रूरत है। हम IPC यूज करते हैं, IPC में 420 है और बहुत सारी धाराएं हैं, तो उसको यूज करते हैं। मैं समझाता हूँ, ये पूरे देश भर में हुआ है। इसको पावर बैंक ऐप करके आई थी गूगल प्ले स्टोर पर, ये मार्च 2021 की बात है, और मार्च से जून 21 तक ये गूगल प्ले स्टोर पर रही। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ये बोला कि हम 15 दिन में पैसा डबल करेंगे, और लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ये बोला कि भाई, उन्होंने कहते ना 15 दिन में कैसे डबल हो जाएगा, कोई तो इंटरेस्ट इतना दे नहीं सकता। तो उन्होंने बोला नहीं, हम जो है ना स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, IIT वालों के स्टार्टअप हैं, IIM वालों के स्टार्टअप हैं, तो उसमें पैसा लगा, इसलिए डबल हो रहा है। तो 15 दिन में लोगों का पैसा डबल हुआ, किसी ने 10,000 लगाया, 20 हो गया, फिर अगली बार इंक्रेज हो गया, फिर उसने 50 लगा दिया, 1 लाख हो गया, फिर उसने 10 दोस्तों को भी बोला, अरे यार क्या जबरदस्त ऐप आई है, 15 दिन में पैसा डबल हो। ऐसे ऐसे करके पूरे देश में जो डाउनलोडिंग थी, जब ये बंद हुई है ऐप जून 2021 में बंद हुई, 10 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ था, और हमने इसका केस जो दर्ज किया, वी वर द फर्स्ट पुलिस टू रजिस्टर ए केस ऑफ दिस फ्रॉड। फिर हमारे साथ साथ 2-3 दिन बाद बेंगलोर ने किया, और उसके 2-3 दिन बाद दिल्ली ने किया, और हमने क्रिमिनल अरेस्ट की, फिर तीनों ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। हमने इसका ओवरऑल वो निकाला था तो 250 FIR हुआ देश भर में, और लगभग 1500 करोड़ का स्कैम हुआ, और पैसा चाइनीज लोग थे इसके बैक पे, और पैसा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू देश के बाहर गया। अच्छा इंटरेक्शन था, यहाँ का पहला फेस्टिवल था वडोदरा का लिटरेचर फेस्टिवल, तो मैं भी अभी तक अहमदाबाद आया था, भुज भी गया था, मैं BSF में रहा हूँ,
कभी वडोदरा नहीं आया था तो मैंने सोचा इस बहाने में वडोदरा के विजिट हो जाएगी। समाचारों ना सतत अपडेट मेड़वा माटे लोकमत न्यूज ने यूट्यूब ऊपर सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबावो अने अमारी साथे जोड़ाई रहो फेसबुक, इंस्टाग्राम अने ट्विटर ऊपर।